तो आज जो हम लोग अपने एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं पेज नंबर 96 पर, तो शॉर्ट आंसर आज हम लोग करेंगे। तो पहला है डिफाइन एन एसिड, पेज नंबर 78 पर आपको एसिड की डिफाइन मिलेगी। ठीक है जी, तो 78 खोलते हैं, ये पेज नंबर 78 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सोल्यूशन तक पूरी की पूरी आपकी क्या है, एसिड की डिफाइन है। सेकंड हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेम थ्री मिनरल एसिड, पेज नंबर 79 पर आपके सारे के सारे मिनरल एसिड्स दिए गए हैं, इसमें से कोई भी आप तीन मिनरल एसिड कर लें। ठीक है, स्टेट थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, पेज नंबर 80 पर आपको एसिड की प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं, पेज नंबर 80 पे। तो यहाँ पर आप कोई सी भी प्रॉपर्टीज़ कर लें, ये पहली प्रॉपर्टी सबसे ऊपर है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है, तीसरी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर नज़र आएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट है मेंशन टू यूज ऑफ टू साल्ट इंडस्ट्रीज। ठीक है, पेज नंबर 19 के ऊपर आ जाए, हमें इंडस्ट्रीज के अंदर जो दो साल्ट हैं उनका इस्तेमाल जो है वो हम लोगों ने पढ़ना है। ठीक है जी, तो ये पेज नंबर 90 है, तो यहाँ पर कोई सा भी यूज ऑफ साल्ट इंडस्ट्रीज, यहाँ से कोई से भी आप दो साल्ट के यूजेस कर लें जो हम इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं। नेमा साल्ट विच कैन रिड्यूस दी एसिडिटी इन आवर स्टमक, वो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट वो साल्ट है जो हमारे स्टमक के अंदर एसिडिटी को कम कर देता है। व्हाट हैपन व्हेन साल्ट लाइक कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद वाटर, जब हम कॉपर सल्फेट को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास कॉपर सल्फेट बनता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। पेंटा का मतलब है कि यहाँ पर हाइड्रोजन मीन्स वाटर, हाइड्रा का मतलब क्या होता है वाटर, हाइड्रा का मतलब क्या होता है वाटर, वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं पाँच, पेंटा का मतलब क्या है पाँच, वाटर कितने मॉलिक्यूल्स हैं पाँच। तो हमारे पास कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बनता है जो कि फंजीसाइड के तौर पर यूज़ होता है, विच इज़ यूज एज ए फंजीसाइड, जो फंजीसाइड के तौर पर यूज़ होता है। ये सोडा वाटर एसिडिक और बेसिक, सोडा वाटर हमारे पास क्या है एसिडिक है। विच अल्कली इज़ कॉमनली यूज टू ओपन अ ड्रेन, अच्छा सीवेज वाटर को करने के लिए, ओपन करने के लिए या किसी भी ड्रेन पानी को निकालने के लिए, निकासी के लिए हम कौन सी बेस यूज़ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। राइट ऑन द केमिकल इक्वेशन शोइंग द रिएक्शन ऑफ अमोनिया NH3 प्लस वाटर H2, जब हम आपस में रिएक्ट करते हैं तो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बनता है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाउ इज लिटमस सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, पेज नंबर 94 पर आपकी एक्टिविटी दी गई है कि हम लिटमस सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। लिटमस सॉल्यूशन बेसिकली इंडिकेटर्स होते हैं जो किसी भी एसिड या बेस को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपने पुट सम चॉप्ड रेड कैबेज, आपने रेड कैबेज को चॉप करना है, उसको हॉट वाटर में रख देना है कुछ देर के लिए, फिर आपने जो कलर्ड सॉल्यूशन निकलेगा हॉट वाटर के अंदर, जो रेड कैबेज का कलर निकलेगा उसको आपने फिल्टर कर लेना है। फिल्टर करने के बाद ये जो रेड कैबेज कलर है ये आपका इंडिकेटर और लिटमस सॉल्यूशन के तौर पर रेडी है, इसको आप किसी भी एसिड और बेस को फाइंड करने आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए शॉर्ट क्वेश्चन इनफ है, फेमान लग।